तो हे गाइस, यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर ली है यहाँ पर MIUI 12.5 अपने इसी डिवाइस के अंदर। ये मेरे पास जो डिवाइस है वो पोको X2 है और मैंने इस पर एक ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया उस वीडियो को तो आपको यहाँ पर हमारे इसी चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ये वीडियो है। और यहाँ पर आपको इस देखने के बाद काफ़ी पता चल जाएगा, काफ़ी सारे यहाँ पर डिवाइसेज है जिसके बारे में मैंने यहाँ पर बात की। इसके अलावा रिकवरी के बारे में भी मैंने अच्छे से बात की है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा नहीं है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी रोम के फुल रिव्यू की कि क्या ये MIUI 12.5 जो है वो इंस्टॉल करने के लायक है या फिर नहीं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसी MIUI 12.5 के बेसिक जो यहाँ पर आपको फीचर देखने को मिलते हैं। पहले अगर मैं यहाँ पर आपको सेटिंग में लेके जाऊँ और यहाँ पर आपको माई डिवाइस के अंदर कुछ दिखाऊँ, देने आप देख सकते हो MIUI 12.5 में यहाँ पर इंस्टॉल कर रखी है जो कि 20.12.28 जो कि अभी बीटा टेस्टिंग में है। अगर आपको पता नहीं है कि ये बीटा टेस्टिंग में क्यों है तो ये एक चाइनीज रोम है जो कि स्टेबल रूप में आने वाली है बहुत जल्द। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एंड्रॉइड वर्जन की, देन यहाँ पर आपको एंड्रॉइड वर्जन है वो यहाँ पर 11 देखने को मिलता है, जो कि अगेन एक अच्छी बात लग जाती है मेरे को इसी रोम की। तो ये तो बात रही कुछ यहाँ पर मेन जो कि बेसिक है बिल्कुल भी, बाकी यहाँ पर जो भी एक तरीके से आपके कर्नल वगैरह सब है वो नॉर्मल है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ फीचर्स की। वैल यहाँ पर फीचर ये है कि इसके जो एनिमेशन वगैरह वो काफ़ी चेंज हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको वॉल्यूम पैनल है वो काफ़ी यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलता है, काफ़ी चेंजेस हुए इसमें अंदर। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो DND वाला भी ऑप्शन है आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाता है। ये तो बात रही इसके एनिमेशन की। इसके अलावा हम बात करें बूट एनिमेशन की, जैसे आप अपने जो पावर बटन उसको 6 सेकंड या 5 सेकंड तक दबाए रखते हो तब जाकर आपका जो बूट एनिमेशन या फिर जो पावर ऑफ ऑन का जो एक एनिमेशन आता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर न्यू डिज़ाइन देता है आपको, जो कि मेरे को पर्सनली काफ़ी पसंद आ जाता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वोल्टी की, देन वोल्टी वगैरह भी यहाँ पर सब कुछ अच्छे से वर्किंग है, तो यहाँ पर आपको वोल्टी के अंदर भी कोई भी परेशानी नहीं आने वाली, कुछ इस तरीके की यहाँ पर आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा बात करूँ अगर मैं यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग की, देन वाईफाई कॉलिंग भी अच्छे से वर्किंग है, वाईफाई कॉलिंग के अंदर भी आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी है वो नहीं आने वाली। और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो एनिमेशन ऐड वगैरह की बात करूँ, देन यहाँ पर थोड़ी बहुत जो नॉर्मल ऐड है वो आपको देखने को मिलेंगे मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ देन आप देख सकते हो ऐसे नॉर्मल आपको ऐड देखने को मिलेंगे, बट यहाँ भी मैं यूज़ करूँ वो एक चाइनीज टेस्टिंग रोम, जब भी इंडियन वर्जन में आएगा देन यहाँ पर आपको कोई भी जो चाइनीज एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि अगेन एक अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा आप इसके अंदर जो एप्लीकेशन है उनको आप रिमूव भी कर सकते हैं, जो कि अगेन एक अच्छी बात लग जाती है। काफ़ी सारे यहाँ पर एप्लीकेशन जिनको आप रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक गेम का ऑप्शन देखने मिलता है इसको भी आप रिमूव कर सकते हो, तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको डिलीट का भी या फिर अनइंस्टॉल करने का भी एक ऑप्शन है वो दे दिया गया है। तो बात करूँ मैं कैमरा की, देन कैमरा की क्वालिटी है वो डेफिनेटली आपको MIUI 12 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये अगेन एक अच्छी बात हो जाती है इसी रोम की, तो ये अच्छाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अभी मेन जो बातें हैं वो ये कर लेते हैं कि इसमें बग क्या कुछ है कि देन बग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो है इसके मी शेयर के अंदर। आप इसके मी शेयर के थ्रू वो भी डाटा है वो किसी दूसरे डिवाइस के अंदर शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्किंग नहीं है, लेकिन आप किसी दूसरे डिवाइस के थ्रू अगर आप डाटा रिसीव करना चाहते हैं मी शेयर के थ्रू, देन वो आप है विदाउट एनी प्रॉब्लम वो कर सकते हैं, जो कि अगेन एक अच्छी बात लग जाती है। लेकिन डाटा इसके थ्रू आप सेंड नहीं कर सकते, जो कि बुरी बात है इस रोम की। तो बात करूँ मैं यहाँ पर और कुछ बग्स की, देन यहाँ पर जो आपको कास्ट का जो ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू आप अपने जो एंड्रॉइड टीवी है उसको आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर इसको बोलते हैं हम स्क्रीन मिररिंग, यहाँ पर जो स्क्रीन मिरर है वो यहाँ पर बिल्कुल भी वर्किंग नहीं है, आपका जो डिवाइस है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ, मेरा बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर फ़ोन को 2-3 बार रिस्टार्ट भी करके देख लिया, बट ये यहाँ पर जो कमी है वो इस रोम की है। तो यहाँ पर मैं इसका फुल रिव्यू वो कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको अच्छे से यूज़ किया है, ना कि सिर्फ यहाँ पर एक बार यूज़ करके मैंने देखा है। अगर बात करूँ यहाँ पर कुछ और बग्स की, तो बग यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कई बार आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली वो रेस्ट्रैक्ट कर देगा ये, जिसकी यहाँ पर मैं पहले ही मैंने इसके अंदर जब YouTube है वो इंस्टॉल किया था, क्योंकि यहाँ पर आपको प्ले स्टोर को देखने को नहीं मिलता, ये मैंने इंस्टॉल किए हैं बाहर से। यहाँ पर जब मैंने इसको पहली बार इंस्टॉल किया उसके बाद में मैं क्या किया कि इसने मेरा जो डाटा है वो रेस्ट्रैक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली। उसके बाद में आपको ऐप इन्फॉर्मेशन पर जाके और यहाँ पर आपको जो रेस्ट्रैक्ट डाटा है इस पर जाके यहाँ पर आपको इसको दोनों का है वो अनटिक करना पड़ेगा पहले। उसके बाद में जब आप इसको ओपन करोगे देन ये आपको पूछे कि क्या आप इसको अलाउड करना चाहते हो, यानी कि डाटा यूज इसको, तब जाकर आपको जब इसको यस करोगे तब जाकर आपका जो डाटा है वो इसमें आपका यूज़ हो पाएगा। तब तक आपका डाटा है वो यूज़ नहीं होगा जब तक कि आप इसके अंदर ये सब नहीं कर लेते, तो ये मेरे को एक पर्सनली काफ़ी बुरी बात लग जाती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अंतुतु स्कोर की, देन अंतुतु स्कोर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कुछ ऐसा जो कि 2,77,888 जो कि नॉर्मल है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, जो कि नॉर्मल है ना ज़्यादा है ना कम है।
तो अगेन एक अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा बात की जाए इसमें कुछ एनिमेशन की, देन यहाँ पर आपको जो स्मूथनेस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि मेरे को पर्सनली काफ़ी पसंद है, और इसके एनिमेशन वगैरह काफ़ी चेंज हुए हैं। तो ये रोम है वो काफ़ी यहाँ पर एक तरीके से स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर तीन चार बग जो कि मैंने यहाँ पर अभी फील किए हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। कॉलिंग के अंदर आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, आपके जो नेटवर्क है इसके अंदर भी आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। यहाँ पर एक बात, यहाँ पर ये बात मैंने गौर की है कि इस रोम के अंदर आपके जो नेटवर्क स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है इसी MIUI 12.5 के साथ कि यहाँ पर आपको जो नेटवर्क स्टेबिलिटी है वो और रोम से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस रोम को अगर आपने इंस्टॉल करना चाहते हो देन आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर एक और कमी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है कि इसके अंदर आपको सुपर लाइव वॉलपेपर का ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलता। अगर मैं यहाँ पर आपको वॉलपेपर दिखाऊं देन आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको सुपर वॉलपेपर है वो देखने को नहीं मिलता, जो कि मेरे को एक पर्सनली काफ़ी बुरी बात लग जाती है, क्योंकि मैं सुपर वॉलपेपर है वो काफ़ी यूज़ करता हूँ। आप इस रोम को विदाउट यहाँ पर मी शेयर, विदाउट यहाँ पर कास्ट और विदाउट यहाँ पर आप सुपर वॉलपेपर के यूज़ करना चाहते हो इस रोम को ना, आप डेफिनेटली आप इस रोम को इंस्टॉल कर सकते हो। गाइस ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को आगे शेयर जरूर करना। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।